नमस्ते सभी को। नमस्ते गोपाल भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते। तो सभी का स्वागत है इस मॉर्निंग सेशन में, सुबह के सत्र में। तो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं अपने को देखने का, कल्पनाशीलता को देखने का। और कल्पनाशीलता को देखने का अभ्यास कर रहे हैं क्योंकि हमारा सुख और दुख जो कल्पनाशीलता में हो रहा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अपनी कल्पनाशीलता को हम ध्यान से एक बार देख लें कि कल्पनाशीलता में हमने जो एक्युमुलेट किया है ना, वो सही के अर्थ में है भी कि नहीं है। तो सही के अर्थ में होगा तो हम कंफर्टेबल रहेंगे, सही के अर्थ में नहीं है तो हम अनकंफर्टेबल रहेंगे। तो उसी को हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, काफी समय से हम लोग उसमें लगे हुए हैं और एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कल्पनाशीलता अपने में बनी हुई है, क्रियाएं चल रही हैं, देखने की क्षमता भी बनी हुई है, सिर्फ देखने का निर्णय ठीक से लेना है। तो अगर देखने का निर्णय हम अपने में बनाए रखें, ठीक से लेते रहें, तो हमारा ध्यान ग्रेजुअली अपने ऊपर शिफ्ट होने लगेगा। और एक बार ध्यान शिफ्ट होने लग गए तो फिर चीजें अनफोल्ड होने लगेंगी कि मेरे में क्या हो रहा है ना? तो ये सिंपल सा अभ्यास हम लोग कर रहे हैं, तो कहने में बहुत सिंपल है लेकिन जब करने जाते हैं तो बहुत एफर्ट तो लगता ही है। एफर्ट इसलिए लग रहा है कि हमारा अभी तक का अभ्यास बाहर देखने का, बाहर चीजों को ठीक करने का रहा है ना? अब हम लोग जो कर रहे हैं वो स्वयं को देखना, स्वयं में जो चल रहा है उसका मूल्यांकन करना, इस अर्थ में चीजों को देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है। एक बार ध्यान अपने में बन जाए ना, चीजों को हम देखने लगे, फिर बहुत सारी चीजें सहज रूप से होने लगेंगी। तो बाहर से अंदर जाने में इनिशियली हमको एफर्ट लग सकता है, लेकिन एक बार हम अपने में ध्यान जाने लगे, ध्यान से चीजों को देखने लगे, उसका मूल्यांकन करने लगे, तो फिर हम देख पाएंगे कि बाहर इंटरेक्शन जब करेंगे अंदर देखते हुए तो वो ज्यादा फुलफिलिंग होगा, ज्यादा उभय सुख पूर्वक होगा। तो अभी अगर ठीक से अपना इवोल्यूशन नहीं कर रखा है, अपनी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है उसका ठीक से इवोल्यूशन नहीं कर रखा है, तो अंदर भी हम परेशान रहते हैं और उसके फल के रूप में जब बाहर हम इंट्रैक्शन करते हैं तो बाहर भी एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। तो कल्पनाशीलता में हम लोग जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो पहले स्टेप में हम लोग यही बात कर रहे हैं कि सिर्फ अपनी कल्पनाशीलता को ऑब्जर्व किया जाए, और ऑब्जर्व करने का मीनिंग यही है कि जैसा चल रहा है वैसा मैं देख रहा हूँ, बिना इफ बट लगाए, रिएक्शन दिए, खींचतानी किए, इसको ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है वैसा मैं देख रहा हूँ। फिर दूसरे स्टेप में हम लोग अपने से पूछ रहे हैं कि मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं है। अगर हमको भाव दिख रहा है फर्स्ट स्टेप में, तो हम अपने से पूछ रहे हैं कि मैं स्वयं में ये भाव सहज स्वीकार है कि नहीं, इसकी निरंतरता चाहता हूँ कि नहीं, ये मानवीय स्वभाव के अनुकूल है कि नहीं। इतना जब देख ले रहे हैं, इतना जब अपने से पूछ ले रहे हैं, फिर अपनी स्थिति का मूल्यांकन हम कर रहे हैं स्टेप थ्री में, और अपने से फिर से ये बात कर रहे हैं कि ये जो भाव मेरे में चल रहा है इससे मैं आराम में हूँ, परेशान में हूँ, संगीत में हूँ, अंतर्विरोध में हूँ, सुखी हूँ या दुखी हूँ। तो अभी देखेंगे तो पूरा देखना और देखने के क्रम में इवोल्यूशन करना मैं अपने में कर रहा हूँ। ये एक बार पूरा हो जाता है फिर जब मैं बाहर इंट्रेक्शन करता हूँ तो ज़्यादा सही से इंट्रेक्शन भी हो पाएगा। अभी क्या है कि मैं आराम में हूँ, परेशान में हूँ, इस बात को अपने में ना देखकर बाहर हम देखने लगते हैं, हमको लगता है कि बाहर चीजें ठीक नहीं है इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ। लेकिन हम सब पुराने लोग हैं, इसमें जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे हम ये देख भी पा रहे होंगे कि बाहर जो चल रहा है वो तो हो ही रहा है, एक्चुअल में मेरी परेशानी या मेरा आराम में होना, संगीत में होना या अंतर्विरोध में होना, ये तो मेरी कल्पनाशीलता में हो रहा है। ये कल्पनाशीलता में हो रहा है, ये बात ठीक से क्लियर हो जाए तो उसको फिर मैं सही से इवैल्यूएट कर पाऊंगा। फिर बाहर जो करना है ना, जो थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है उसमें सहयोग भी कर पाऊंगा।
तो स्टेप 1 2 3 इसको मिलाकर अब हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो हम लोग इस बात को ध्यान में रखें कि स्टेप 1 को हम देखते हुए स्टेप 2 को कर रहे हैं, स्टेप 2 को देखते हुए स्टेप 3 को कर रहे हैं, है ना। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि स्टेप 1 ठीक से नहीं हो पाता है, हम 2 में शिफ्ट हो जाते हैं, 2 भी पूरा नहीं हो पाता है, हम 3 में शिफ्ट हो जाते हैं। इस पर थोड़ा सा और बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता है ना। तो ये 1 2 3 को मिलाकर हम लोग अब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कल से काफ़ी समय से। तो इसमें जो अब आपका शेयरिंग है ना, कल से आज तक जो आपने ध्यान दिया है इन 3 स्टेप्स पर, तो जो भी आपकी शेयरिंग है, जो भी आपका ना इसमें करने में जो भी ऑब्स्टिकल है, उन सबको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो डिस्कशन से हम सबकी गति बनती है, मेरी भी गति बनती है, आपकी भी गति बनती है। बताइए, तो कल से आज तक का अगर कोई ऑब्जर्वेशन है तो हम लोग उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। भैया जी बिल्कुल। आवाज आ रही है? अच्छा, हाँ जी दीदी बिल्कुल साफ आ रही है भैया जी। इससे पहले जो शेयरिंग की थी तो उसमें मेरी कंप्लेंट थी कि जो मेरा संबंधी है वो सुनता नहीं है। तो आपने कहा था कि आप देखिए कि हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से ऐसा होता हो, तो आप अपनी इमेजिनेशन और मतलब उसको देखिए कि पुराना कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो। तो भैया जब देखना शुरू हुआ, ये परसों की बात है, और मैंने मतलब सारी घटनाएं जो है रिकॉल की, तो सब में जो है अपनी गलती नजर आई कि भाव तो कहीं था ही नहीं। उससे ये हुआ, सारा दिन आपने कहा था देखते रहना, कोई रिएक्शन नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। तो मैं देखती जा रही थी, लेकिन एंड तक पहुंचते पहुंचते, रात तक पहुंचते पहुंचते रिग्रेट की फीलिंग थी, इतनी ज्यादा रिग्रेट की फीलिंग थी कि जैसे कि कुछ है ही नहीं, कुछ अच्छी बात है ही नहीं। मैं तो अपने आप को बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन मैं तो बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छाई अपने में नजर ही नहीं आ रही थी। अभी ये चल ही रहा था कि नेक्स्ट डे एक बहुत ही निकट संबंधी ने पूरा मेरा इवैल्यूएशन कर दिया, जैसे बहुत सारी घटनाएं बता दी कि आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया। तो और भी ज्यादा फीलिंग डिप्रेशन में जैसे जा रहे हो, ऐसी वाली फीलिंग बनती जा रही है। लेकिन कोशिश यही कर रही थी कि मैं अपने भाव को देखती रहूं, तो पहले अपोजिशन का भाव दिखा, तो बोल लीजिएगा जैसे भी हो। तो पूरा दिन तो अपने आप को समझाने की तर्क चले कि ऐसा इसलिए किया होगा मैंने, ऐसा इसलिए किया होगा। ऐसे करते करते शाम तक आते आते मैं मतलब भावों को एकदम बदलते हुए देखती थी, बार बार, कभी विरोध का, कभी संबंध का, ये सब चल रहा था। और रात तक पहुंचते पहुंचते बहुत रोना आया, बहुत रोए। तो उस टाइम ये दिखा मुझे कि मैंने अपनी तरफ से कुछ भी मतलब मेरी इंटेंशन गलत थी ही नहीं। जो भी हो गया था वो किसी और पर्सपेक्टिव से मैंने किया था, लेकिन दूसरे ने कुछ और समझ लिया। तो उस टाइम जो है फिर भैया रात तक तो भाव ऐसा ही था, मतलब मिक्स्ड फीलिंग थी। ऐसे करते करते जब सुबह हुई तो मतलब इतना रात तक रोते रोते सुबह तक मेरी हालत खराब थी। लेकिन सुबह जो है ना वो एक ESIP का मैंने वीडियो सुना, उसमें संबंध के ऊपर चर्चा थी। उसमें लैक ऑफ कॉम्पिटेंस और चाहना मतलब इंटेंशन दोनों के बारे में बात हो रही थी। हालांकि ये चीजें पता है, लेकिन उस टाइम एकदम क्लिक किया कि मेरे में कॉम्पिटेंस नहीं थी, मेरी इंटेंशन तो ठीक ही थी, मेरी कॉम्पिटेंस नहीं थी, तो वो सब हो गया। और अब जो एकदम से हुआ कि इसको मैं ठीक कर सकती हूँ,
अब ये भी बात हो रही थी कि पोटेंशियल तो है, जब दिख गया है तो मैं कर सकती हूँ, और जैसे ये भाव आया कि मैं कर सकती हूँ तो एकदम से मतलब जैसे एनर्जी सी फील होती है, ऐसा कुछ हुआ और मैंने फटाफट सारे काम जो पिछले दिन मैंने कुछ नहीं किया था भैया, और नेक्स्ट डे जो है मैंने सब कुछ किया। कुछ गेस्ट आए हुए थे उनको बहुत अच्छे से अटेंड किया, और वो गेस्ट भी ऐसे थे जिनके प्रति मेरी एक्सेप्टेंस नहीं थी, लेकिन वो जो चाहना वाला था वो पार्ट मुझे एकदम से क्लिक किया कि ये जो आए हुए हैं, जो गेस्ट आए हुए थे, उन्होंने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया था, कभी भी जब भी हेल्प हुई तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने हमेशा उनका किया ही किया था। तो उस टाइम मुझे ये समझ में आया, मुझे लगा ऐसे कि मुझे समझ में आया, आई डोंट नो, कि ये जो मेरे संबंधी हैं इनमें भी शायद वही लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है जो मेरे में था, क्योंकि मेरी इंटेंशन तो बिल्कुल ठीक थी। मैं तो अपने आप को गलत मतलब मान ही नहीं पा रही थी कि मैंने उस टाइम पे गलत किया। तो ऐसे ही ये लोग भी हैं, इनको भी ये नहीं लगता कि इनसे गलत हुआ है। तो जैसे ही भाव आया भैया, उसके बाद मैंने उनको बहुत अच्छे से अटेंड किया, और वो भी शायद हैरान होंगे कि मैं ऐसे कैसे कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अटेंड तो किया था लेकिन भाव कभी नहीं था। वो कल भाव जो थे बहुत अच्छे से अटेंड किया, उनको चले गए और मैं सेटिस्फाइड थी। पूरा दिन जो है भैया बहुत अच्छी सी फीलिंग बनी रही, और मैंने घर के सब लोगों को, सब के साथ बातचीत हुई, बहुत खुल के सबके साथ, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, सबसे खुल के बीच बातचीत हुई, और कल का दिन बहुत अच्छा गया। मतलब ये समझ में आया कि इंटेंशन और ये जो कॉम्पिटेंस है ये मैं सुनती रहती हूँ, मुझे पता है, लेकिन जब मेरे पे बात आई तब मुझे ये एकदम चीजें क्लियर हुई, क्लिक हो गया कि कैसे जो दूसरे लोग हैं उनका बिहेवियर अगर मुझे अफेक्ट कर रहा है तो उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है। इंटेंशन तो उनकी सही है, लेकिन शायद मैंने कभी माना ही नहीं था कि इंटेंशन दूसरों की भी प्योर होती है। जब अपने पे बात आई भैया तो लगा कि हाँ ये तो बिल्कुल ठीक बात है। तो मतलब इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी हम इकट्ठी करते रहते हैं, लेकिन कब क्लिक कर जाए ये नहीं पता होता, और इतना टाइम लग गया इस बात को करने में। तो मैं बहुत ही रिलीव्ड फील हुई, पिछले 2 दिन तो अच्छे नहीं बिते, मतलब कल का तो ठीक था, उससे पहले। बस ये एक्सपीरियंस शेयर करना था, क्योंकि मुझे लगता है शेयरिंग से काफी कुछ हम सीखते हैं। मैंने भी और उनकी शेयरिंग से बहुत कुछ सीखा। कल जो शशि शर्मा जी शेयर कर रही थी बिल्कुल वैसा ही मुझे फील हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक बार अपनी बात को रख दूं। भैया तो इसमें अगर आप कुछ जोड़ना चाहें तो प्लीज। जी देखिए, जैसा आप शेयर कर पा रही हैं तो अगर हम ये प्रक्रिया करते रहते हैं ना, तो एक क्लिक वाली बात है। कब हमारा ध्यान किसी बात पे चला जाए, वो अनफोल्ड हो जाए, और कब हमारा बात इस ध्यान पे चला जाए कि हमें पोटेंशियल बना हुआ है, तो उसके रेफरेंस में बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व भी हो जाती हैं, ध्यान भी जाने लगता है और धीरे धीरे रिजॉल्व भी होती हैं चीज़ें। तो देखिए, अच्छी बात है। और आपने इस बात को, जो परसों से मैं ये बात बार बार कह रहा था कि एक स्टेप हम लोग ये भी ध्यान रखें उसमें, कि हम का पोटेंशियल भी है। अगर ये बात नहीं ध्यान रहती है तो हम अपने में जो नहीं हो पाया है या जो नहीं हो रहा है, हम उस पर इतना फोकस करते चले जाते हैं कि ना ऐसी स्थिति आ सकती है कि हम बिल्कुल नेगेटिव चले गए और एक समय पर ऐसा लगता है कि अब कुछ है ही नहीं हमारे में पॉजिटिव। इसीलिए परसों की शेयरिंग में भी, कल की शेयरिंग में भी मैंने ये बात ध्यान में दिलाया था कई बार, कि ये 7 स्टेप में हमको ये भी ध्यान बना रहे कि हम में पोटेंशियल है। हम कहीं भी ट्रैप होते हैं, देखते देखते हैं, ऑब्जर्व करते करते, तो हमें पोटेंशियल है, मैं इसको देख सकता हूँ, उससे निकल सकता हूँ। तो ये अच्छी बात है कि आपको ये ध्यान बात बनी रही, उसी के चलते है ना आप उस स्थिति को ओवर भी कम कर पाएंगे, ओवरकम भी कर पाएंगे।
दूसरी बात यह है कि इसमें गिल्ट जो हमको दिख रहा है ना, तो देखिए उसमें तो ये बात, जब तक हम अवेयर नहीं थे है ना, सुख को कुछ और मान रहे थे, हमको अपने संस्कार को प्यूरिफाई करने की प्रक्रिया का भी नहीं पता था। उसमें बहुत सारी चीजें हमने कर लिया, इंटरनली एक्सेप्ट कर लिया है, उसी को सही मानते हुए हम करते रहे अभी तक। ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है, ऐसे ही दूसरे, अगर दूसरे को भी अपने स्वभाव का नहीं पता है, स्वभाव में जाने की प्रक्रिया का नहीं पता है, तो अपने में कुछ एज्यूम करते हैं, सही मानते हैं और उसको चलाते रहते हैं। तो ये मेरे साथ भी हो रहा है, ये दूसरे के साथ भी हो रहा है, लेकिन हमारे साथ अब अच्छी बात ये हो रही है कि हमें प्रक्रिया का पता चल रहा है और हम इस बात को स्वीकार कर पा रहे हैं कि हमारे में जो बना हुआ था उससे मैं आराम में तो नहीं था, उससे मैं परेशान भी हूँ, संगीत में तो नहीं हूँ, अंतर्विरोध में नहीं हूँ, अंतर्विरोध में ही हूँ, ये देखना हमको दिख गया है उस प्रक्रिया में जाते हुए। और उसको देखते हुए हमको ये बात भी ध्यान बनी रहे प्रक्रिया में कि मैं इससे निकल सकता हूँ, पोटेंशियल भी है, और उससे हम निकल भी पाए, ये एक अच्छी बात है। तो प्रक्रिया का हमको पता चल गया है, तो धीरे धीरे अन्यथा जो भी मेरे में बना हुआ है सफाई तो होती ही, तो ये खुशी की बात भी है। लेकिन ये सब स्टेट से तो निकलनी पड़ता है, क्योंकि जो अंदर है ना उसको तो बाहर आनी है। तो अच्छा है, अच्छी बात है दीदी कि आपने उसको पूरे दिन देखा है ना, और देखते हुए इस बात को भी आप देख पाए कि मैं परेशान हो रही हूँ, अंतर्विरोध में हूँ, फिर इस बात को भी देख पाए कि मेरे में पोटेंशियल है इससे बाहर निकलने का, तो उसके रेफरेंस में चीज़ों को कहीं ना कहीं हम इवेल्युएट भी कर पाए होंगे, तभी उस स्थिति से बाहर आने का है ना रास्ता बना होगा। तो ये अच्छी बात है। अदरवाइज क्या होता है, जनरली लोग जब देखना चालू करते हैं तो जब भी अन्यथा दिखता है, निगेटिव दिखता है कुछ, तो उसमें बहुत ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन इस बात का अगर ध्यान बना रहे कि हमको ट्रैप नहीं होना है, इससे बाहर निकलना है, तो देख लेना है पूरा, अब देख लिया है और मैं अंतर्विरोध में दिख रहा हूँ, अब इससे बाहर निकलने का मेरे में पोटेंशियल भी है, इस बात का ध्यान बना रहेगा, तो धीरे धीरे हम उसको अनफोल्ड भी होने देंगे, वो जो असहज स्थिति है उसको भी देखेंगे और धीरे धीरे बाहर निकल आएंगे। जब बाहर निकल के आएंगे तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा कि अब मैं चीज़ों को धीरे धीरे देखते हुए रिजॉल्व भी कर सकता हूँ और उससे बाहर भी आ सकता हूँ। तो अच्छी बात है दीदी, ये स्थितियाँ बनती रहेंगी इस पूरे प्रक्रिया में, है ना, कभी अच्छा लगेगा, कभी कुछ अनफोल्ड हो जाएगा इंटरनली, तो ये सब चलता रहेगा, लेकिन ये चलते हुए अगर हम प्रक्रिया पर ध्यान बनाए रखें और हमारे में देखने का भी पोटेंशियल है, इससे निकलने का भी पोटेंशियल, रिजॉल्व करने का भी पोटेंशियल इतना बना रहे, तो धीरे धीरे अपने संस्कारों को हम इवेल्युएट करते रहेंगे और उतने का हमको आराम भी मिलता रहेगा, इसीलिए कल आपको अच्छा भी लगा। जी 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 बढ़िया। नमस्ते भैया। भैया मैं है ना, इस एक्सरसाइज को काफी लंबे टाइम से कर रही हूँ, 3 साल हो गए जब से आपने मुझे इसमें ज्वाइन किया था। अब जब मैं अपनी कल्पनाशीलता को देखती हूँ ना, तो 2-3 चीजें मुझे ध्यान में आती है कि एक तो कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है उसको मैं ज्यादातर टाइम देख पाती हूँ, पर अभी थोड़े टाइम से कैसा होने लगा है कि जब मैं उसको देखने का करती हूँ, मतलब दिन में भी काम करते समय, अब उसके लिए एक्सक्लूसिवली बैठने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, पर दिन में काम करते समय भी जब मैं ये निर्णय बनाए रखती हूँ कि मुझे अपनी कल्पनाशीलता को देखना है, तो अब ऐसा होने लगा है कि उसमें क्या चलाना है उसका निर्णय मैं कर लेती हूँ। तो क्या ये ठीक हो रहा है कि क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल, मैं जब ये देखती हूँ कि इसमें क्या चलाना है ऐसा निर्णय कर लेती हूँ, ये भी मुझे पता चलता है कि मैं निर्णय कर रही हूँ, और क्या चलाना है ना, तो उसमें मेरा ये कंटेंट भी चलता है, फिर जो परिस्थितियां जिस मोमेंट में मैं कुछ कर रही हूँ और परिस्थितियां होती है, तो उन परिस्थितियों में इस कंटेंट से उसको कैसे, मतलब वास्तविकताओं के साथ कैसे देखा, ऐसे मैं देखने लगती हूँ, तो ये क्या हो रहा है उसको मैं नहीं समझ पा रही हूँ। जी अच्छी बात है दीदी, अगर अपनी कल्पनाशीलता में रहने लगा है और हमको इस बात पे ध्यान जाने लगा है कि बाहर भी मैं कल्पनाशीलता के साथ ही देखता हूँ, कल्पनाशीलता तो उसमें इन्वॉल्व रहती है ना, हाँ तो अगर इस बात पे ध्यान जाने लगा है और जैसा आप शेयर कर रही हैं कि अभ्यास के साथ अब काफी समय मेरा कल्पनाशीलता में ध्यान बना रहता है, कल्पनाशीलता में ध्यान देते हुए मैं बाहर देखती हूँ,
और बाहर से जो इनपुट आ रहा है उसको कल्पनाशीलता में होते हुए भी फिर देखती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी का तो हाँ हम लोग बात ही कर रहे थे कि बार बार हम लोग निर्णय बनाए रखें कि ध्यान हमको अपने में बनाए रखना है। तो एक स्टेप तो बढ़िया ही है। दूसरा देखेंगे कि मैं निर्णय पूर्वक उसको चला पाती हूँ, उसमें बस निर्णय पूर्वक चला पाना इसमें कोई इशू नहीं है। ये तो अल्टीमेटली तो हम निर्णय पूर्वक ही चीजें तय कर रहे हैं, चाहे हम है ना। लेकिन अब निर्णय लेकर तय कर रहे हैं इसका भी हमको अवेयरनेस हो गया है, ये तो और भी अच्छी बात है। अभी तक क्या होता था कि हम कुछ निर्णय लेते थे और फिर कल्पनाशीलता में कुछ चलता था, लेकिन हमको ये नहीं दिखता था कि मैं निर्णय ले रहा हूँ, हमको लगता था ये तो कुछ चालू हो गया है। तो अगर आप हाँ उस निर्णय को लेते हुए भी देख पा रहे हैं तो अच्छी है, तो और भी सूक्ष्मता बढ़ी है फिर, है ना। उस पूरे प्रोसेस में आपका सूक्ष्मता और बढ़ा है, ये तो अच्छी बात है। तीसरी बात इसमें यह है कि जब मैं निर्णय ले रहा हूँ उस निर्णय लेने में सास्तित्व व्यवस्था और संबंध, ये तीन चीजें आधार में बनी रहती हैं कि नहीं, इसको थोड़ा सा और ध्यान देना है। तो अगर सास्तित्व व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी यानी कि संबंध, इस पर अगर हमारा निर्णय बना रहेगा तो उससे जो कल्पनाशीलता में फैलेगा उससे मैं आराम में रहूंगा, है ना। उससे फैला कर विचारों में जो चलाऊंगा उसका भी मुझे आराम मिलेगा। फिर जब मैं बाहर इंटरेक्शन करूंगा तो दूसरा स्वीकार कर पाएगा कि नहीं स्वीकार कर पाएगा, उसका दुख मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आराम में हूँ, क्योंकि मेरी कल्पनाशीलता सास्तित्व संबंध व्यवस्था के अपने चल रही है। मैं आराम में हूँ, उसको अस्तित्व तक फैला के देख पा रहा हूँ, उसको फैलाते हुए मैं बाहर इंटरेक्शन कर रहा हूँ। अब मैं इस बात से मुक्त हो जाऊंगा कि बाहर उसको स्वीकार कर पा रहा है अभी कि नहीं स्वीकार कर पा रहा है ना, उस तक बात पहुंच भी पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। इस बात से मिलने वाले सुख दुख से मैं प्रभावित रहूंगा। तो उसमें तीसरी स्टेप जो है कि जब मैं निर्णय ले रहा हूँ तो निर्णय लेते समय मेरा आधार क्या है, सास्तित्व है, व्यवस्था है, संबंध है, या अभी मिक्सिंग चल रहा है, ये भी हो जाता है, कभी कभी कुछ और भी हो जाता है, ये थोड़ा सा और ध्यान देने की बात है उसमें। ये भैया जो आपने तीसरा वाला बोला ना, वहां वो सहअस्तित्व और व्यवस्था अभी ऐसा ध्यान नहीं जा रहा, पर जैसे संबंध वाला पार्ट है ना, उसमें पहले जो मेरे अंदर वो विरोध रहता था या उससे जो मैं दुखी होती थी, प्रभावित होती थी, वो कम हो गया है। और ध्यान भी अभी मेरा जा रहा है तो संबंध पर जा रहा है, व्यवस्था और सहअस्तित्व है वो अभी कम ध्यान में आता है। तो ये भी कोई बात प्रोसेस नहीं ठीक जी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी, तो अभी परस्परता में ध्यान जा रहा है ना। परस्परता में जो हम लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं तो उसमें संबंध पे ध्यान जा रहा है। तो संबंध पे ध्यान जा रहा है तो ये भी एक रूट हो सकता है कि पहले हम परस्परता में ध्यान दे रहे हैं, संबंध पे ध्यान दे रहे हैं, फिर संबंध पे ध्यान देते देते हमको दिखेगा संबंध तो चैतन्य का चैतन्य से है। मैं चैतन्य को सेंटर में रखकर अब सोच रही हूँ, फिर संबंध से दिखेगा चैतन्य का चैतन्य से, फिर ये भी दिखेगा कि चैतन्य में भी कुछ इन्नेट है, मेरे चैतन्य में भी कुछ इन्नेट है, दूसरे के चैतन्य में भी कुछ इन्नेट है, इस पर भी ध्यान जाएगा। तो जब वो इन्नेटनेस पर ध्यान जाएगा तो अपने में जो व्यवस्था है जिसको सह स्वीकृति कह रहे हैं उस पर भी ध्यान जाएगा, और दूसरे में जो व्यवस्था इन्नेट है उस पर भी ध्यान जाएगा। व्यवस्था पे ध्यान जाएगा तो फिर व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में आप कर रहे हैं इस पर भी ध्यान जाएगा, है ना। तो भागीदारी के अर्थ में कर रहे हैं इस पर भी ध्यान जाएगा, व्यवस्था पे ध्यान बना रहेगा, फिर व्यवस्था ये पूरी जो व्यवस्था है ये प्रकृति में अस्तित्व में संपृक्त है इस पर भी ध्यान जाएगा, फिर संपृक्तता देखेंगे तो शून्य के साथ है इस पर भी ध्यान जाएगा। तो ये तो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ने का ही प्रोसेस है। तो उसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि जितना जितना अवेयरनेस बढ़ती जाएगी उतना उतना मैं चीजों को शार्पली देखता जाऊंगा, और जितना मैं शार्पली देखता जाऊंगा उतने में मैं कंफर्टेबल फील होता जाऊंगा। तो ये उसका एक आउटकम के रूप में हमको मिलेगा कि जितना जितना मेरा अपने ऊपर ध्यान जाएगा, है ना, हम निर्णय ले रहे हैं इस पर ध्यान जाने लगा है, निर्णय के आधार किया उस पर ध्यान जाने लगा है, आधार में कम से कम संबंध दिखने लगा है, ये और भी अच्छी बात है। तो संबंध के आधार पर ही मेरा भाव विचार फैलता है, फिर व्यवस्था के अर्थ में भी फैलेगा, फिर सास्तित्व के अर्थ में भी फैलेगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी सूक्ष्मता बढ़ रही है और हमारे में जो हो रहा है उसको हम अवेयरनेस के साथ देख पा रहे हैं, है ना, बता पा रहे हैं।
ये तो बहुत ही अच्छा है दीदी, बाकी चीजें तो धीरे धीरे होंगी, अभी ध्यान देने की अब बात है। हाँ भैया, जो अभी आपने बोला ना उससे ये ध्यान गया, वैसा तो मैं कर पाती हूँ पर मैं उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पाई। अभी आपने जो बोला ना कि संबंध पर ध्यान जा रहा है, फिर उसके पीछे व्यवस्था की भय में चैतन्य का चैतन्य के साथ संबंध है, और चैतन्य में व्यवस्था है उसके साथ जो सहज स्वीकृति है, तो वहां पर मेरा ध्यान जाता है। इसीलिए मुझे ये मेरा जो रिएक्शन है ना वो कम हो गया है, कि जब मैं अपना सही सहज बात है, स्वीकृति को देख पाती हूँ ना, तो दूसरा का भी सहज स्वीकृति वो है, वो मेरी स्वीकृति बढ़ रही है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। सही बात है, बिल्कुल सही। अभी जब हम इंटरेक्शन करते हैं, है ना, तो हम इस बात को ध्यान दें कि हम उसको कपड़े को देखकर उससे कुछ ट्रिगर हो रहा है, इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसकी भाषा को देखकर कुछ ट्रिगर हो रहा है, उससे हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, या उसमें भी व्यवस्था इनेट है और मेरे में भी व्यवस्था इनेट है, इसको ध्यान में इंटरेक्शन कर रहे हैं। अगर इसको ध्यान में रख के करेंगे तो अन्यथा वाले जो फैक्टर हैं वो हमारी कल्पनाशीलता में हावी नहीं होंगे, तो जब वो हावी नहीं होंगे तो मैं अपने में संगीत में बना रहूंगा और परस्परता में जो भी भागीदारी मेरी हो सकती है उसको मैं फैलाऊंगा कल्पनाशीलता में। जी बिल्कुल, और भैया एक और क्वेश्चन था इसी के साथ में। 2-3 दिन पहले आप एक बात बता रहे थे कि पहले जब हम देखना शुरू करते हैं तो पहले हमको विरोध वाला जल्दी दिखता है, वो मेरे साथ भी हो रहा था। फिर जी। आपने ऐसा बताया था कि वो धीरे धीरे सूक्ष्मता बढ़ती है, तो जो सहज भाव है, जो हमारे अंदर जो ये इनेट भाव है, वो हमको दिखने लगते हैं। तो उसको कहने का मतलब आपका ऐसा था क्या कि अभी हमारे अंदर जब हम अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, जब प्रतिकूलताएं नहीं है, सब कुछ अनुकूल चल रहा है, और हमारे अंदर एक वो शांत सा बना रहता है, और वो होता भी ज्यादा अनुकूलता बाहर है इसलिए होता है, तो उस समय जब मैं ऑब्जर्व करूं तो मैं किस पर ध्यान दूं, अपने अंदर जो वो बाहर की अनुकूलता का कारण मेरे अंदर वो सब ठीक चलता है, ऐसा भी हो रहा है, ऐसा पता चलता है, तो जब बाहर ही सब कुछ अनुकूल है और उस समय मेरे अंदर जो सब शांत चल रहा है क्योंकि बाहर से कुछ ट्रिगर नहीं हो रहा, उस समय मैं कहाँ पर ध्यान दूँ? मैं क्वेश्चन रख पाई ठीक से? जी, ठीक है। तो बाहर अगर अनुकूलता बनी हुई है ना, तो उसका एक ये है कि अब हमारे में जो चीजें ट्रिगर हो रही थी वो ट्रिगरिंग करने वाले लोग हमारे आसपास नहीं है अभी। हाँ जैसे कि अगर यूएचबी से जुड़े हुए लोग हमारे आसपास होते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा ट्रिगर नहीं होता है, हाँ बल्कि अच्छे संस्कार में ही कुछ एक्टिव होते हैं। तो अभी क्या है, अगर परिस्थितियां हमारी अनुकूल हैं, अनुकूल का मतलब इतना ही है कि हमारे संस्कार में जो अन्यथा है उसको ट्रिगर करने वाले लोग आसपास नहीं है अभी, वैसी हाँ परिस्थितियां नहीं हाँ है, इसलिए कुछ ट्रिगर नहीं हो रहा है, इसलिए हमको लग रहा है सब ठीक चल रहा है ना। तो हाँ अभी उस पर भी ध्यान दें कि ये बात तो ठीक है कि ट्रिगर नहीं हो रहा है ना, इसलिए हमारे अंदर कुछ परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन उस समय भी ध्यान दें कि मैं जो आराम में हूं अभी, तो किस भाव से हूं मैं, क्या उसके पीछे के मैं भाव को देख पा रहा हूँ। एक तो मैं विचार को देख पा रहा हूँ कि हारमोनियस विचार है, फिर उसके पीछे के भाव को देख पा रहा हूँ कि भाव जो है सहज रूप से स्वीकार है, उस अर्थ में मैं आराम में हूँ, या ट्रिगर नहीं हो रहा है उस अर्थ में मैं आराम में हूँ। तो ट्रिगर नहीं हो रहा, ये बात तो तय हो गई। तो अभी दूसरे वाले भाग पर ध्यान दिया जाए, तो जब भी आप अपने में शांत फील करें, है ना, कंफर्टेबल है आज, तो फिर ध्यान दीजिए कि क्या इस समय मैं अपने विचार और भाव को देख, थोड़ा सा ध्यान देके देखिएगा, देखते हैं इस समय क्या विचार और भाव चल रहे हैं। कुछ तो चल ही रहा है, अंतर हाँ विरोधी नहीं इतना ही हो रहा हाँ है ना, हाँ तो उसको भी देखते हैं, तो उस पर भी ध्यान देने चालू करेंगे तो वो विचार भाव को भी हम देख पाएंगे जो शांत है। ध्यान दिए तो ठीक है भैया, इसको जब मैं अभी प्रतीक, 24 घंटा हाँ ध्यान देने की कोशिश करती हूँ। हाँ, तो जब परिस्थितियां अनुकूल हैं तो अपने ऊपर शांत चीजों को देखने का और ध्यान दें, और भागीदारी पर ध्यान दें, और अच्छे से भागीदारी करें, प्रतिकूल हो जाए संस्कार को जागृत हो जाए अंदर से, तो उस पर ध्यान देने लगी है, उसको रिजॉल्व करिए, है ना। तो ये दोनों काम हम करते रहेंगे तो हमारा ग्रोथ होता रहेगा। तो अनुकूल परिस्थिति में अपने ऊपर शांत भाव और विचार को देखने का अभ्यास, उसके साथ बाहर भागीदारी करने का मन बनाना है।
एक ये भाग, दूसरा प्रतिकूल हो गया है तो अपने संस्कारों को संभाल लें, उसको देख लें, मूल्यांकन कर लें, पूछ लें मैं आराम में हूँ कि परेशान हूँ, संगीत में हूँ कि अंतर्विरोध में हूँ, ये सब करें बैठ के। तो अपना भी ग्रोथ होगा और एक वातावरण भी बना पाएंगे हम लोगों के लिए। ये जी भी जी भाई ये क्वेश्चन भी कब आ रहे थे, जब अभी मैं 4-5 दिन में गई थी वहां पर भरूच, तो वहां पर एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रही थी, तो 5 दिन वो वर्कशॉप लिया, तो तब मतलब बिल्कुल सब अनुकूल, वर्कशॉप लेते समय तो ठीक है हमारा ध्यान उस पर रहता है, उसके बाद जो मतलब 7-8 घंटा 10 घंटा रहता है एकदम अनुकूल और एकदम मतलब अपने अंदर बिल्कुल शांत सा स्थिति बना था, और तब मैं ये देख पा रही थी कि मैं हर बार निर्णय मैं कर रही हूँ मैं कर रही हूँ, इसलिए ये सारा क्वेश्चन मेरे अंदर राइज हुआ था, क्योंकि जब हम उसको शेयर करने जाते हैं तो हमारा अंदर का प्रोसेस बहुत जल्दी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ठीक सही बात है, है सही बात है। भैया। जब जब हम शेयर करते हैं तो बार बार जब चीजों को ध्यान दिलाते हैं तो बेसिकली हम भी ध्यान देना शुरू कर देते हैं, हाँ, हमारा ध्यान तो और ज्यादा आप इंटेंसिटी से जाता है। सही बात है। तो वर्कशॉप में आप 10 बार कहते हैं क्या सहज स्वीकार है, क्या सहज स्वीकार है, तो सामने वाला हो सकता है एक ही बार ध्यान जाए लेकिन आपका 10 बार ध्यान जाएगा अपने हाँ ही। तो ये एक गति बढ़ती है जब हम शेयरिंग करते हैं, तो एक गति बढ़ती है अपनी, तो बढ़ती है, हाँ तो वो गति बढ़ने का जो हमको कंफर्टेबिलिटी मिल रही है वो एक इम्पॉर्टेंट बात है, वही हमारा मोटिवेशन बनेगा फिर से शेयरिंग करने का। तो ये अच्छी बात है। जी दीदी, ठीक है भैया, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते दीदी। हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। मैं जब कल्पना अपनी कल्पनाशीलता को देखने के लिए बैठ जाता हूँ जी बंद आंखों के साथ, तो मेरे में देखता हूँ कि क्या मेरा इमेजिनेशन में और कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है। तो जी बहुत समय तक मैं देखता हूँ कि इससे जो भी आएगा इसको, इस पर रिएक्शन नहीं करना है, चेंज नहीं करना है, और देखता हूँ कि बहुत समय तक कुछ आता ही नहीं। तो मुझे क्या करना है, मैं करता हूँ कि थोड़े समय के लिए बैठ के फिर इधर उधर सोच के, फिर कुछ पास्ट बीती हुई इवेंट्स से कुछ लाकर हम देखते हैं कि यही देख रहे हैं। तो जी क्या, क्यों ऐसे हो रहा है, तो ठीक है कि नहीं है? जी जी बताइए। तो देखिए, जब हम कल्पनाशीलता को, हाँ, जब हम अपनी कल्पनाशीलता को देख रहे हैं, इमेजिनेशन को देख रहे हैं, है ना, तो उस पर थोड़ा सा ये ध्यान देने की जरूरत है कि हम जब बैठते हैं, आंख बंद करते हैं चाहे आंख खुली हो, और हम देखते हैं कि अब मैं देखूंगा, मैं क्या देख रहा हूँ, जब हम ये निर्णय लेते हैं, है ना, इतना निर्णय लेने के साथ उस थॉट को ना होल्ड मत करिए, थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए। वो होता क्या है, हम उस थॉट को बहुत होल्ड करके रखते हैं कि अब मुझे देखना है, तो बेसिकली आपके थॉट में उसमें वही चल रहा है कि मुझे देखना है, इसलिए लगता है अभी कुछ और नहीं चल रहा, हम उसको होल्ड कर लेते हैं। तो एक रीजन ये हो सकता है, पॉसिबल रीजन। तो आप बैठिए, अपने में निर्णय लीजिए कि मैं अपनी कल्पनाशीलता को देखूंगा, रिलैक्स हो जाइए, बॉडी को लूज कर दीजिए, इस बात पर ध्यान दीजिए कि आंखों को मैं यूज नहीं करूंगा, ब्रेन को मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, शरीर को यूज नहीं कर रहा हूँ, शरीर को और लूज कर दीजिए, और अब मैं ऑब्जर्वर की तरह देखूंगा क्या हो रहा है, और थोड़ा वेट करिए, होने दीजिए, है ना, शरीर को लूज रखिए और होने दीजिए। जब हो देंगे तो धीरे धीरे आपको विचार जो आ रहे हैं ना उस पर ध्यान जाने लगेगा। तो एक पॉसिबल रीजन ये हो सकता है ना दिखने का, कि हम बहुत टाइटली उसको होल्ड करके रखे हुए हैं कि मुझे तो देखना ही है ना, तो यही उस समय हम देख रहे होते हैं कि मुझे देखना है, वही कल्पनाशीलता में चल रहा है, एक पॉसिबल रीजन ये। दूसरा पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि जैसा अभी योगिता दीदी से बात हो रही थी कि हमारे में शांत विचार है इस समय, शांत भाव है, हम उसको देखने का अभ्यास नहीं है अभी, जैसे कि आप जनरली भी देखेंगे ना, कोई आदमी परेशान दिख रहा है, उससे कहो क्या हुआ, तो अपनी परेशानी को लेकर बहुत सारा आपको बता देगा। कोई आदमी आप आराम में है, उससे कहिए क्या चल रहा है,
तो ज्यादा नहीं बता पाएगा, क्या सब अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है सब, उसको इतना फैला के नहीं बता पाता है कि अब मेरे में क्या विचार चल रहे हैं ना, भागीदारी के अर्थ में क्या चल रहे हैं, व्यवस्था के अर्थ में क्या चल रहा है, ये सबको फैला के नहीं बता पाता है। तो अभी दूसरा पॉसिबल रीजन ये है कि हमारे में शांत विचार और शांत भाव है, लेकिन अभी हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, रिकॉग्नाइज करके आर्टिकुलेट नहीं कर पाते, एक जी पॉसिबल स्थिति हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो उसको जबरदस्ती निगेटिव वाले मत लेकर आए आए हम लोग, कि कुछ दिख नहीं रहा है, चल रहा है, हम उसको देखने का अभ्यास नहीं है ना, अभी हमारा उथल पुथल आवेशिक विचार भाव इन सबको देखने का बहुत अभ्यास है। जैसे आप कहिए ना, किसी से कहिए जरा पता करके आओ कॉलेज में क्या चल रहा है, सारा निगेटिव नोट कर लाएगा, है ना, और अगर कुछ सही चल रहा होगा तो उस पर बहुत कम ध्यान जाएगा उस पर, और गलती से सही नोट भी कर रहा है तो उसको बताते समय बहुत ही कम शब्दों में बता पाएगा, जबकि गलत वाला निगेटिव एक्साइटमेंट वाली चीजों को बहुत बता देगा वो। तो हमारा भी हाँ अभ्यास इस तरह का है कि निगेटिवली जो एक्साइटेड चीजें हैं या पॉजिटिवली एक्साइटेड चीजें हैं, एक्साइटमेंट वाले फेस को हम अच्छे से पकड़ लेते हैं, आर्टिकुलेट कर लेते हैं, उसको भाषा में ले आते हैं और फैला के बता भी पाते हैं, लेकिन शांत विचार और शांत भाव को देख पाना, उसको रिकग्नाइज करके आर्टिकुलेट कर पाना, ये अभी अभ्यास होना है हमें। तो एक पॉसिबल रीजन ये हो सकता है वो शांत विचार है, शांत भाव है, और मैं देख नहीं पा रहा हूँ, रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो उसमें जी निगेटिव वाले को लाने की जरूरत नहीं है, ध्यान में रखिए, देखते हैं क्या चल रहा है ना, कुछ भी जबरदस्ती इनपुट लाने की जरूरत नहीं है, जो इनपुट ऑलरेडी को देखना है हमें। एक पॉसिबल रीजन ये हो सकता है, दूसरा, एक थर्ड रीजन ये हो सकता है कि इस समय मैं किसी अन्य लीड के बारे में, निर्वाह करने के बारे में ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो जब निर्वाह करने के बारे में ध्यान नहीं दे रहा हूँ तो निर्वाह के विचार को मैं नहीं चल रहा है तो पकड़ नहीं पा रहा हूँ। एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं ऐसी वास्तविकता पे ध्यान दे रहा हूँ जिससे निर्वाह करने की आवश्यकता ही नहीं है अभी, तो इसलिए उसको लेकर कोई विचार ही नहीं आ रहा है, उस डोमेन के विचार में है ही नहीं अभी, तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ। तो इसमें हमको देखना कि पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं हमारे लिए। अच्छा, क्यों नहीं देख पा रहे हाँ, तो मैं फिर से सम अप कर देता हूँ छोटे छोटे स्टेप में। स्टेप नंबर वन, मैं इस विचार को टाइटली होल्ड कर, क्योंकि मुझे देखना है, इसलिए मुझे अभी और कुछ नहीं देख रहा है क्योंकि मेरा ध्यान ही उस विचार पर है केवल। स्टेप नंबर टू, मेरे में शांत विचार या शांत भाव है इसलिए मैं उसको रिकॉग्नाइज करके बता नहीं पा रहा हूँ। पॉसिबिलिटी टू, पॉसिबिलिटी थ्री, मैं अभी निर्वाह के बारे में परस्परता में विचार नहीं कर रहा हूँ इसलिए मुझे चलता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है। स्टेप पॉसिबिलिटी नंबर फोर, मैं ऐसी वास्तविकता पर ध्यान दे रहा हूँ जिससे निर्वाह करने का अभी स्कोप नहीं है या अभी करने की आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए मेरा विचार में भी चलता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है। तो देखेंगे तो फोर्थ पॉसिबिलिटी अभी कम लगती है ना, थर्ड पॉसिबिलिटी भी कम ही होगी, फर्स्ट और सेकंड पॉसिबिलिटी को हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें। तो शांत भाव शांत विचार वाला पॉसिबिलिटी ज्यादा है और पहले वाली पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि हम होल्ड कर रहे हैं टाइटली कि अब तो देखेंगे ही क्या चल रहा है, अच्छा ये दो चीजों को हम लोग ध्यान से देखें। और जी, जब मैं देखने बैठता हूँ तो थोड़ा इमेजिनेशन और जो कल्पनाशीलता का ये भाव भी मुझे धीरे धीरे दूर 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 जाता दिखता है। तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, अभी तो फीलिंग को देखना है, तो कोई बात नहीं, ऐसे में सोचता हूँ क्या ये ऐसे क्यों होता है। या दूर जाता दिखता है मतलब क्या भैया, बताइए थोड़ा सा। मतलब डिसअपियर हो जाता है धीरे धीरे, मिट जाता है मेरे भावना से, मैं सूक्ष्म हो तो जाता राइज होता हूँ। है फिर हट जाता है फिर कुछ राइज होता है। जी जी नहीं, जी हट जाता है धीरे धीरे, थोड़ा बिल्कुल सटल हो अच्छा, जाता है, सूक्ष्म हो जाता है धीरे धीरे। मैं कह रहा हूँ जी, तो जी सेटल जल्दी हो जाता है तो अच्छी बात है। तो अब वो जब सेटल हो जाता है ना, फिर उन सेटल हाँ चीजों को जी देखने का अभी हम लोग का एक्सपीरियंस कम है, अभ्यास कम, तो ऐसा लगता है जी ब्लैंक हो गया है। तो वो सेटल्ड हो गया है विचार के रूप,
है ना, जो कुछ उछलते रहते हैं ना विचार, वो सब सेटल हो गए हैं। लेकिन अब सेटल विचार भी कुछ चल रहे होंगे, सेटल भाव भी कुछ चल रहे होंगे, को भी ध्यान से देखा करें। जी ठीक जब भी है, आपकी जी ऐसी स्थिति हो तो ध्यान से देखिएगा कि सेटल में भी क्या है, देखते हैं ना, ठीक उसको है ठीक इधर उधर भागेगा मत कि आप कुछ ले आते हैं बाहर से जिससे कुछ चलता हुआ दिख जाए तो जल्दी सेटल हो जाता है आपका थॉट, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब सेटल वाली चीजों को देखना है तो ये अभ्यास बढ़ेगा तो हमारी सोच में तो और बढ़ने लगेगी फिर। भैया। 2021 से जुड़ा हुआ हूँ इससे और प्रयास अच्छा करता हूँ डेली। हाँ, और करने के लिए मेरे परिवार में भैया भी मेरे जुड़े हुए हैं, मुझसे 2 बड़े भाई हैं तो वो भी अच्छा जिसमें जुड़े हुए हैं, दुष्यंत कुमार श्रीवास्तव, वो भी मतलब प्रोफेसर है तो उन्हीं ने हमें जुड़वाया था। ठीक जी है ना, जी तो भैया जी मैं भी इसको ऑब्जर्व करता रहता हूँ इसको, और मैं देख पाता हूँ कि हाँ छोटी छोटी चीजों में कैसे उसको ऑब्जर्व किया जाए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाह रहा था, जैसे मैं डोली सुबह घूमने जाता हूँ तो मैं देखा कि यार जो बंदर रहते वहां पे, लंगूर जो रहते हैं वो भीड़ में रहते हैं, मतलब करीब 15-20 ऐसे, क्योंकि जो कॉलोनी है तो कॉलोनी के अंदर बहुत सारे पेड़ हैं तो वो रहेंगी। तो मैं घूमता था तो मुझे डर लगता था यार ये तो काट सकते हैं, बाकी कुछ लोग थे वो निकल जाते थे। मैं ये सोचा यार मुझे डर लग रहा है, इनको डर नहीं लग रहा है, ऐसा क्या है मेरे, मतलब इसमें क्या अंतर क्या है। इसको मैं अंदर से ऑब्जर्व किया तो मैं देखा कि कहीं ना कहीं वो ये डर बना हुआ है बचपन से, वो बताया गया कि यार। फिर मैं सोचा क्यों क्यों लग रहा है मुझे ये डर, तो देखा कहीं ना कहीं शरीर के प्रति बहुत ज्यादा चिपकाव जैसा बना हुआ है कि इसको कहीं हार्म ना हो जाए। और ये फिर देखा कि हाँ बहुत बार बताया गया कि यार ये काट लेगा, इससे दूर रहो, जानवरों से उनका बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर रहता है। पर मैंने देखा कि ये लोग तो जा रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड तो है बट ये भी तो जा ही रहे हैं ना, ज्यादा से ज्यादा ये काट सकता है, बट इससे मेरी दैनिक प्रक्रिया और मेरे विचार बहुत ज्यादा उथल पुथल में चले जाते हैं। मैं भी सोचा प्रयास करते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, सब सभी लोग जा रहे तो मैं भी अकेला, जब था तो मैं अकेला 2 दिन से मैं भी जा रहा हूँ, और मैं देख पा रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मुझे काट लेगा, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं करेगा। तो मैं बड़े ही सहज भाव से वहां से निकल पाया, और बोला हल्का सा डर लगा जो बहुत ज्यादा लगता था कभी कि यार इसके बगल से तो निकल ही नहीं सकते, है ना। तो ये चीज मैं जी देखा कि उस जी चीज को फेस करते हुए ज्यादा अच्छे से निकल पाते हैं। ऐसी ऑफिस में जो चीजें मुझे होती हैं उनको मैं एनालाइज करता हूँ, तो भाई ऑफिस में जैसे कल परसों टारगेट अचानक से आ गया कि भैया 100 आइटम निकाल रहे हैं, बाकी लोगों के पास 30-30, 40-40 थे, और टारगेट का डेट डेडलाइन सबका सेम है, तो मैं ये सोचा कि ये तो हो नहीं पाएगा, हो नहीं पाएगा। उसके लिए बाकी लोग भी, किसी ने सजेस्ट किया कि और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वो डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं है, अभी भी मेरे पास वो पड़े हुए हैं आइटम। तो मैंने ये सोचा ठीक है, इसमें पहले भी मैं ये चीज को सोचता था, तो मैं अपने आप को ये तो रिजोल्व कर लेता था कि मैं जितना मैक्सिमम कर सकता हूँ उतना मैं कर दूंगा, और बट फिर क्या होता था, वो कोशिश जो है वो कोशिश बढ़ती जाती थी कि नहीं इसको करना ही, तो वो चाहे सुबह रात को जग के या सुबह जल्दी करके, तो वो मैं उसको देखा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ भाई, ऐसा ऐसा मैं क्यों करना चाह रहा हूँ जो हो नहीं सकता, या जो एक व्यवस्था बनी हुई है, इस व्यवस्था के अनुकूल ही हमको काम करना है, और उसके अनुकूलता सबको पता है, ज्यादा से ज्यादा कोई नहीं होगा ये काम मुझसे, और मुझे बताना पड़ेगा कि सर मैंने ये प्रयास किया और नहीं हुआ। लेकिन फिर मैं ये ऑब्जर्व किया तो ये बात नहीं हो पाएगा, इसको मैं क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए जो अन्यथा प्रयास और वो सब करने की वजह खोजी मैंने, तो वो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर बचपन में जो बैठ जाता है कि हमें फर्स्ट आना है, या फिर हमें आगे रहना है, या फिर हमें सब उससे हमें सम्मान मिलेगा, ये सारी चीजों को मैं ऑब्जर्व कर पाया कि ये चीजें बनी हुई हैं, कहीं ना कहीं मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा तो लोग मजाक बनाएंगे कि देखो इसको इसके बॉस ने भड़काया या इन्होंने ऐसा बोला, फिर सब जगह मजाक बनेगा। तो मैं ही इसको ऑब्जर्व कर पाया कि ये ऐसा होगा, इस डर से मैं शायद ज्यादा मेहनत करने लगता हूँ, तो मैंने इस रूटीन को तोड़ा, मैंने कहा नहीं मैं वही करूंगा जो मैं कर रहा हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा करूंगा, उतना एक्स्ट्रा नहीं करूंगा कि उसको प्रूव करने के लिए नहीं करूंगा,
हाँ व्यवस्था हम भागीदारी के लिए भैया कि जरूरी काम है तो ज्यादा काम करना चाहिए। तो मैं 8:30 बजे तक रुका और मैं वापस आ गया घर पे, मैंने काम नहीं किया। सुबह में वापस अपने रूटीन पे लग गया कि भाई ये काम मैं करूंगा जरूर, और जो गलत है उसको रखूंगा उनके सामने, ज्यादा ज्यादा वो बोल देंगे, लोगों को जो सोचना है वो सोचे, मैं तो वही काम कर रहा हूँ जो सही है। और इसी में मैं अपने आप को सहज पाया, ऐसा मैं कर पाया, और इसको इसीलिए कर पाया कि ये जो स्टेप्स आपने बताए उन स्टेप्स को मैं एक एक करके ऑब्जर्व करता कि सही में मुझे स्वीकार है कि मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो ये सब चीजों को मैं डेली ऑब्जर्व कर रहा हूँ सर। और एक और ऑब्जर्वेशन था जो मैं शेयर करना चाह रहा था कि जिस दिन आपने शुरू किया ये सेशन और भानु भैया कर रहे थे उसके बाद आपने शुरू किया सेशन, तो उसी जी दिन जब उस दिन मैं सोचा एकदम मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि ये तो अरे यार मैं भानु, क्योंकि मैं भानु सर के थ्रू ही जुड़ा था सबसे पहले, तो मैं ये ऑब्जर्व अच्छा किया अच्छा कि ये अचानक से ये विचार क्यों आया कि यार ये तो अच्छा नहीं हुआ, बताओ भानु सर को नहीं सुन पाएंगे। तो मैं ये सोचा ऐसा क्यों हुआ, ये तो इमीडिएटली आया, इमीडिएटली मैंने सोचा ये तो क्यों आया, ये तो आवाज बदल गई, कंटेंट वही है, तो ऐसा क्यों हुआ। तो इस बात पर मैंने काफी सोचा कि भाई ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जब वही समझदारी वही कंटेंट एक दूसरा व्यक्ति डिलीवर कर रहा है और एक वही कंटेंट कोई दूसरा डिलीवर कर रहा था, इससे अंतर क्या पड़ा। तो मैं देख पाया कि कहीं ना कहीं मेरा उनके उनके प्रति एक वो बना हुआ था, श्रद्धा का भाव बना हुआ था, है ना। तो मैं ऐसे ही अपनों के लिए देख पाया कि यही चीज हमारे साथ घर में होती है, कि वही काम मेरा घर का व्यक्ति करता है तो हम उसे, या वो व्यक्ति करता है जिसे हम लाइक करते हैं तो हम उसे छोड़ देते हैं, वही व्यक्ति कोई दूसरा करता है तो उसके प्रति हमारे लिए विरोध का भाव आ जाता है, क्योंकि उससे हमने अपना जो है ना कि हमने उससे अपना संबंध नहीं पहचान पाया, शायद इस वजह से ये भाव आ जाता है। तो फिर मैंने और भी देखा कि हाँ मैं शायद जुड़ा हुआ था तो मैं उनके प्रति श्रद्धा का भाव था इसलिए मैं उनसे कनेक्टेड था, और गोपाल भैया का जैसे ही नाम आया तो मुझे लगा अरे यार ये कंटेंट तो कैसे होगा, ये तो अभी समझ में उतना आएगा नहीं आएगा, या आएगा तो उतने अच्छे से आएगा कि नहीं आएगा। तो ये चीजें भी फिर मैं एक चीज मैंने और ड्रिल डाउन की, मैंने कहा नहीं यार ये बात भी नहीं है, कुछ और बात भी है इसके पीछे जो मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं ये पूरी बात नहीं समझ में आई अभी भी। तो मैं और ऑब्जर्व किया तो मैं देखा कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक प्रतिस्पर्धा का भाव भी था कि यार गोपाल भैया की एज भी लगभग इतनी होगी, मेरी 40 है, उनकी भी ऐसी 42-44 होगी, तो वो इस क्षेत्र में इतना आगे निकल गया कि पूरे इतने लोगों को गाइड करने लग गए, मैं भी निकल सकता था अगर मैंने इसमें समय दिया होता। तो मुझे लगा कि ओ हो, देखो इस टाइप के भाव हमारे अंदर चलते रहते हैं, कोई भी नया व्यक्ति आता है तो उसको एक्सेप्ट करने में हमें ऐसा लगता है वो कि इस वजह से हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते उसे, हमें लगता है कि यार नहीं नहीं मैं भी ये कर सकता हूँ। फिर बात आई कि नहीं नहीं हमें तो कंटेंट समझना है, हमारा ये पर्पज ही नहीं है कि कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, एक और व्यक्ति उस व्यवस्था में बड़ा पार्टिसिपेट कर पा रहा है ये मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो और हमेशा से ही यही चाहता था, बट फिर भी मैं देख पाया कि देखो एक प्रतिस्पर्धा का विचार मेरे अंदर बना हुआ है, ये सब जानते हुए भी, इसमें कंट्रीब्यूट करने की इच्छा रखते हुए भी, फिर भी ऐसा मेरे अंदर बना हुआ था। तो फिर मैं उसको देख पाया, वो तुरंत नहीं देख पाया, मैं इसको सोचता रहा कि क्यों क्यों हुआ ये, मतलब ये कहाँ क्या ऐसा अचानक से क्यों हुआ कि मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि यार भानु भैया की जगह जैसे कुमार भैया ने आपको इंट्रोड्यूस कराया था। फिर अभी कुछ दिन से सुन रहा हूँ तो मुझे अचानक से ये भी याद आया कि ओहो इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप तो गोपाल भैया से ही लिया था मैंने, सुनने के बाद अभी 2 दिन पहले मुझे ये याद आया कि ओके ये बात वो दिमाग में चल रहा था कि ये चीज ऐसा क्यों हुआ, ये और भी कुछ इसमें है क्या। फिर वो देखा सारी चीजें कनेक्ट अपने आप होती चली गई। तो मैं इसमें देखता रहता हूँ भैया और प्रयास कर रहा हूँ कि और बेहतर तरीके से देख सकूँ, जी यही ऑब्जर्वेशन शेयर करना था भैया। जी जी इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें तो कहिए बढ़िया थोड़ी पूरी। बढ़ने के लिए, हाँ मेरी गति बढ़े उसके रिगार्डिंग। जी जी बढ़िया है। तो पूरी शेयरिंग में देखेंगे तो ये बात अच्छी है कि जब भी बाहर कुछ हो रहा है तो आप अंदर भी ध्यान दे रहे हैं, और ज्यादातर समय आप ये देख पा रहे हैं कि जो भी अन्यथा भी मेरे में भाव आता है, चाहे वो भय का हो, चाहे विशेष बनने का हो, चाहे श्रद्धा का हो, जो भी हमारे में ये भाव में अप डाउन चल रहा है, वो बेसिकली हमने अपने अंदर कुछ मान लिया है
किसी व्यक्ति के लिए कुछ और मान लिया है, किसी चीज के लिए कुछ और, जीव जंतुओं के लिए कुछ और मान लिया है। तो ये जो मानना हमारा है ना, अभी इससे हमारे में बहुत फ्लक्चुएशन होता रहता है, और हमारा ये कोशिश ही रहता है ज्यादातर समय कि हमारा मानना टूटे नहीं, इसलिए हम चाहते हैं बाहर चीजें बदले नहीं। तो अपनी मान्यताओं को हम सही कहीं ना कहीं मान लेते हैं, तो उन मान्यता वेट करने के बजाय हम बाहर चीजें वैसे ही बने रहें, बाहर की चीजें डिस्टर्ब ना हो, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो आपकी शेयरिंग में अच्छी बात है कि आप बार बार दोनों ही चीजें देख पा रहे हैं, आप ये भी देख पा रहे हैं कि बाहर मेरे में मानने में कुछ है इसलिए मेरे भाव में अप डाउन हो रहा है, बाहर मैंने कुछ मान रखा है इसलिए भाव में अप डाउन हो रहा है, लेकिन ये भाव में जो अप डाउन हो रहा है उसको भी मैं ठीक से देख पा रहा हूँ, और सहज है कि असहज है इसको भी मैं इवेल्युएट कर पा रहा हूँ, है ना, और मुझे इससे निकलना भी है और निकलने का पोटेंशियल भी है, ये बात और ध्यान में आ जाएगी। तो एक आपकी एक शेयरिंग से ही बहुत एक अच्छी बात है कि पूरी शेयरिंग में। एक जी, हाँ एक भैया और बात थी कि जी मैं अभी 8 महीने पहले ही मैंने अपना चेंज कर लिया। मतलब मैं पहले मेंटेनेंस में था और मेंटेनेंस से अभी आ गया प्रोक्योरमेंट में। तो मेंटेनेंस से मैंने चेंज कर लिया। जी वो मुझे थोड़ा कुछ एग्जाम एग्जाम हुआ था, उसके बेसिस पे वो ग्रुप में एग्जाम के थ्रू मुझे चूज चूज करने को मिला कि कहाँ आपको जाना है, क्या आप फर्दर क्या करना चाहते हैं। तो उसमें मैंने ये चूज तो कर लिया, जब मुझे पता था जी जबकि ये बात कि इसको चूज करने से मेरा करियर मतलब बढ़ेगा नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि जिसमें मैं हूँ ऑलरेडी मुझे सारे HOD सेक्शन हेड सभी जो भी स्टेशन हेड तक बोला कि नहीं आप रुकिए इसमें, ये मैं यहाँ पे आपका अच्छा ग्रोथ है, उसमें जाके कुछ मिलेगा नहीं, उसमें ग्रोथ होता ही नहीं है। लेकिन मैं उनको ये नहीं बताया कि मैं ग्रोथ के लिए जा ही नहीं रहा हूँ। मैं जिस वजह से जा रहा था, मैं इसी वजह से जा रहा था कि मैं अपने अपने जो जीवन है उसको थोड़ा सा समझ पाऊँ, उसके लिए समय दे पाऊँ, समय निकाल पाऊँ, अपने जीवन को व्यवस्थित कर पाऊँ। मुझे ग्रोथ से बहुत मतलब नहीं है। ये बात मैंने विचारों में तो कर ली थी, जब मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया तो बहुत सारा डर लगा कि ऐसा करने पे मेरा करियर एकदम ही डाउन चला जाएगा। और जिस समय मैं पिछले 8 महीने से रोज इस बात को सोचता था कि बताओ इतना सारा मेहनत मुझे करना पड़ रहा है नई जगह स्टेबल होने के लिए, और पुरानी जगह में पूरी तरह स्टेबल था, करियर भी हाई ग्रोथ का था, बट फिर भी मैं बार बार अपने आप को समझाता रहा कि देखो मेरे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है तो मुझे दूसरे से मतलब ही क्या है। जो मेरा पाथ ही नहीं, उसको कभी ना कभी तो चुनना ही पड़ेगा। अगर आज नहीं चुनूंगा तो समय निकल जाएगा, फिर बुढ़ापे में चुन के कोई फायदा नहीं, तो अभी ही चुनना पड़ेगा चाहे जितनी भी कठिनाई हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये निकाल देंगे मुझे, और क्या कर सकते हैं। तो फिर विचार आता था कि यार निकाल देंगे तुम किस कंडीशन में पहुंच जाओगे, जो अभी तुम हाई ग्रोथ करियर पे हो जहाँ स्टेशन, तुम्हें जानता है आज तुम्हारी ये कंडीशन हो सकती है कि तुम्हें निकाल दिया जाए कंपनीज के, भाई कि भाई तुम नहीं परफॉर्म कर पा रहे। ये वर्स्ट केस में सोच रहा था, हालांकि हो सकता है ऐसा ना ही भी होता है, क्योंकि हो सकता है वापस भेज देते। तो मैंने उसमें भी प्रयास किया और मैं अभी देख रहा हूँ कि उनको भी मैं जान पाया कि भाई ये ऐसा बार बार दिमाग में ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है। तो फिर वही समझ में आता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट वहीं से आता है कि जो हमारे अंदर बहुत गहरी मान्यता बनी हुई है कि हमें पैसा कमाना है, नाम कमाना है, इसी से सम्मान इंश्योर होगा। और सम्मान की जो सही परिभाषा है कि भाई सही मूल्यांकन, अपना सही मूल्यांकन सामने वाले का, तो उसके हिसाब से नहीं कर रहा हूं मैं, इसलिए ये होता है। और इसी को ही बार बार करना है तो ही ये स्टेबल हो पाएगा मेरे अंदर, और तभी मैं आराम में रह पाऊंगा, सहज स्वभाव में रह पाऊंगा। ये बार मैंने पिछले 8 महीने से मैं अपने आप को बता पा रहा हूँ, और इसी वजह से ये कंटिन्यू करके अभी मैं पहले से बेहतर स्थिति में। जी भैया, ठीक है, बढ़िया भैया, शुभकामनाएं हमारी आपके साथ, आपकी स्थिति और भी डे बाय डे बेटर हो और ठीक उसके लिए है, प्रोसेस पर तो हम लोग बात कर ही रहे हैं। जी, जी तो अभी समय जी हो गया भैया सबका, तो हम लोग उसको भी यहीं रोक लेते हैं। तो कल हम लोग फिर से स्टेप 1 के साथ 2 और स्टेप 1 2 के साथ 3, इन तीनों स्टेप के कॉम्बिनेशन में अब अपनी कल्पनाशीलता को ऑब्जर्व करेंगे, है ना, और देखेंगे कि कितनी देर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, कितनी देर हम स्टेप 1 को पूरा होने दे रहे हैं, कितनी देर स्टेप 2 को देख पा रहे हैं, कितनी देर स्टेप 3 को भी सही से कर पा रहे हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन में हम लोग अपनी कल्पनाशीलता को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे हर पल हर क्षण, और कल स्टार्ट करेंगे। शेयरिंग से एक महत्वपूर्ण भाग है इस पूरी प्रक्रिया का। ठीक है भैया, तो हम लोग रख लेते हैं, पर रोक लेते हैं।